ओके, हम लोग कंटिन्यू करेंगे जियोग्राफी के क्वेश्चन। जियोग्राफी की ज्योग्राफी और प्रोनाउंसिएशन देखा जाए, ज्योग्राफी, हाउ डू वी प्रोनाउंस इट, जियोग्राफी और ज्योग्राफी, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, जियोग्राफी ज्योग्राफी। चलो, ज्योग्राफी है एक्चुअल, प्रोनाउंसिएशन ज्योग्राफी। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड, इससे पहले तो कर चुके थे ना, लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। मेरे हिसाब से चाइना, यूएसए, ब्राजील, इंडिया, इंडिया होना चाहिए, इंडिया ही है। बट मिल्क प्रोडक्शन की मैं निकालना चाहूंगा, मिल्क प्रोडक्शन बाई कंट्रीज, इंडिया के बाद जो नंबर टू होगी, इंडिया तो मुझे पता है, अरे अरे यू को लिखे हैं नंबर वन, और यूएसए को इंडिया से ज्यादा दिखा रहे हैं। मिल्क प्रोडक्शन, इसका कोई विकीस ऑथराइज्ड, हर साल बदलता रहता है। नंबर वन पे इसमें इंडिया दिखा रहा है, नंबर टू यूएस, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर ब्राजील, रसिया, आई थिंक यहीं से डेटा उठाया होगा उन्होंने। इंडिया, यूएस, चाइना, रसिया, पाकिस्तान, ब्राजील, यूएसए नंबर टू है। आई थिंक मुझको ये नॉर्थ अमेरिका में डालना पड़ेगा, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, क्लाइमाटोलॉजी, नॉर्थ अमेरिका की फिजिकल जियोग्राफी मैंने नहीं लिखी है क्या नॉर्थ अमेरिका की, सिवाय रॉकी माउंटेन, ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट, गल्फ कोस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्टर, नॉर्थ ईस्टर के बारे में मैंने अमेरिका में लिखा है, हरिकेन के बारे में है, नॉर्थ ईस्टर, एक्सोट्रॉपिकल साइक्लोन, कैलिफोर्निया, क्लाइमेट चपारेल्स, रैन सेडो डेजर्ट जो है रॉकी के, सेंटाइना वेंट्स, कनाडा की कुछ मेजर सिटीज, पेरी के बारे में, ये कौन सा प्रोडक्शन है भाई मैंने, अरेबल लैंड अमेरिका में सबसे ज्यादा है, अमेरिका में फॉर्म्स हैं, एग्रीकल्चर फॉर्म्स हैं, रेंचेस जिनको बोल सकते हैं, तो उस फॉर्म्स में अमेरिका में जो फॉर्म्स हैं, कूल 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 कूल, पता नहीं मैंने यहाँ पे कोई लिखा है, अमेरिका जो फॉर्म्स है वहां पे एग्रीकल्चर भी खूब होता है और डीरिंग भी बहुत होती है, इसलिए जो है अमेरिका का एक बहुत बड़ा नाम है मिल्क प्रोडक्शन में भी। इंडिया के बाद नंबर टू है, इंडिया, यूएसए, पाकिस्तान, चाइना, 2018, इंडिया, यूएस, पाकिस्तान, ब्राजील, चाइना, इंडिया, यूएस, पाकिस्तान, चाइना, ब्राजील, अलग अलग जगह अलग अलग है यार। लेकिन पाकिस्तान भी अच्छा खासा करता है,
ये बड़ी चीज है। अगले, कतांगा प्रोविंस ऑफ जायरे इज फेमस फॉर। जायरे अगर हम देखें अफ्रीका के मैप में, मेरे हिसाब से वेस्ट अफ्रीका है जायरे, और कतंगा प्रोविंस जायरे पहले देखते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में जाते हैं, अफ्रीका के मैप में, और उसकी अफ्रीका के मैप में जो जो चीजें एक बार कर चुके हैं वो सारी देखते हैं। अफ्रीका के मैप में सेकंड कॉन्टिनेंट, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सिनाई पेनिनसुला, अफ्रीका मेजर प्लेट, जायरे। जायरे एज आई टोल्ड यू वेस्ट अफ्रीका में कहीं होना चाहिए। जायरे 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 मिलेगा, लेक विक्टोरिया, लॉरेशिया, गुंडवाना, गुंडवाना का पार्ट था, लेक विक्टोरिया, तंजानिया, युगांडा, विक्टोरिया फॉल्स, लेक टर्काना, अल्बर्ट, तंजानिका, मलावी, सहारा डेजर्ट, एटलस माउंटेन्स, इजिप्ट, कालाहारी, नामीब डेजर्ट। जारे नहीं मिला मुझे अभी तक। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आते हैं, सिरोको, कमसिन, रेड सी अफ्रीका और एशिया के बीच में बाउंड्री है, डस्ट स्टॉर्म, बायोम्स, सेरेंगेटी प्लेन्स, डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट के बगल में सवाना, डेजर्ट, ग्रासलैंड, सेसेल्स, मॉरिशस, पिगमीज, कॉफी बनाना, बुशमैन, मेलगासी, मसाई, मेजर क्रॉप्स, मिनरल्स, प्लेटिनम डिपॉजिट्स, बुशवेल्ड, साउथ अफ्रीका, किम्बरली डायमंड माइन, साउथ अफ्रीका, कांगो डायमंड, गिनिया बॉक्साइट। यही इकोनॉमिक जियोग्राफी में मुझे जायरे ढूंढना पड़ेगा। पहली बात है मुझे जायरे मिल नहीं रहा है, जायरे देखते हैं भाई कहाँ है जायरे। कतंगा प्रोविंस ऑफ जायरे इज फेमस फॉर कॉपर। कॉपर माइनिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कतंगा प्रोविंस। तो कतंगा प्रोविंस का अगर मैप देख लेता तो अच्छा रहता। अगला करते हैं, सार बेसिन इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन इन। सार बेसिन इज इन जर्मनी। ओके, दोनों के मैप देखने पड़ेंगे। कतंगा देखते हैं पहले, जायरे। जायरे कोई कंट्री है भी कि नहीं? जायरे मैप, जायरे ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ जायरे वॉज द नेम ऑफ। सॉरी, तो जायरे इन्होंने यार गलत क्वेश्चन बना रखा है। जायरे कोई कंट्री है ही नहीं, इसलिए नहीं मिल रही थी मुझे। जायरे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का ही पुराना नाम है।
अभी जा रहे देखने का क्या फायदा है, जा रहे कांगो का ही नाम है जो इक्वेटर पे पड़ती है। और इनफैक्ट कांगो तो मैंने बहुत बार किया है, कांगो बेसिन, रेन फॉरेस्ट। अगर इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट की बात की जाएगी बायोम में अगर आए तो कांगो का रेन फॉरेस्ट बहुत बड़ा है। ये देखिए कांगो बेसिन कंट्रीज है, जा रहे इन्होंने गलत यूज कर रखा है, जा रहे नाम की कोई कंट्री है ही नहीं, कांगो है। तो कतंगा बेसिन देखते हैं सीधे सीधे, कतंगा बेसिन। मैं मुझे डाउट हो रहा था जा रहे पे, इसीलिए कतंगा बेसिन कहाँ पे है, कांगो में है कतंगा बेसिन। सेंट्रल अफ्रीकन कॉपर बेल्ट, क्या है वैसे आंसर, कतंगा बेसिन इज फेमस फॉर कॉपर। अच्छा कतंगा बेसिन कॉन्गो फेमस फॉर कॉपर, कॉन्गो बेसिन रिफ्ट वैली के पास में ही है। ये है तो कतंगा प्लेटू, ये रहा कतंगा प्लेटू, कतंगा प्लेटू कॉन्गो फेमस फॉर कॉपर। कतंगा प्लेटू कहाँ गया, कतंगा प्लेटू कतंगा प्लेटू कांगो फेमस फॉर कॉपर। तो वापस आ जाते हैं, कतंगा प्लेटू ऑफ जारी की बजाय कांगो कॉपर के लिए। सार बेसिन, सार बेसिन, सार बेसिन, सार बेसिन यूरोप में चले गए, जर्मनी का पार्ट लग रहा है। सार, सूर, राइनलैंड, सेंडलैंड, ये सब जर्मनी के पार्ट हैं। जर्मनी अच्छी खासी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है, हिटलर्स गोल, हिटलर जर्मनी। जर्मनीज कॉलोनियल पोजिशन वर डिवाइडेड अमॉन्ग द एलाइज, फ्रांस गेट कंट्रोल ऑफ द जर्मन बॉर्डर। सार फ्रांस के साथ जो लगा एरिया उसको बोलते हैं। माइनिंग राइट्स इन सार बेसिन, ऑक्यूपेशन राइट इन राइनलैंड फॉर 15 ईयर्स। तो सारे काला वाला एरिया है जर्मनी फ्रांस बॉर्डर पे, और रूर वैली की तरह, जर्मनी रूर वैली और सार बेसिन, ये यूरोप में यह जाना चाहिए, यूरोप। किसके लिए है वैसे फेमस, और सार बेसिन इज इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन है। ओके खोलते हैं हम लोग यूरोप, यूरोप में आते हैं इकोनॉमिक जियोग्राफी पे। ऑलरेडी कुछ कुछ डाला है, कील कैनाल, बाल्टिक सी, नॉर्ड स्ट्रीम, रसिया के एरिया कुजनेत्स, दोनेत्स, वाया कार्पेथिया, और ब्लू बनाना, और रोटरडम, एमस्टरडम पोर्ट्स। रोटरडम तो यूरोप का सबसे बड़ा पोर्ट है। जर्मनी के इंडस्ट्रियल रीजन डालने ही चाहिए, रूर वैली और सार वैली। सार बेसिन अगला, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सुगर केन, चाइना, इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राजील। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सुगर केन,
आई थिंक इंडिया या ब्राजील में से कोई होना चाहिए। सुगर केन इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट वाले रीजन में ही फॉरेस्ट के लैंड को डाइवर्ट करके लगाते हैं। इसको हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सुगर केन इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाई इंडिया एंड चाइना। ब्राजील 25% ऑफ द वर्ल्ड सुगर केन प्रोडक्शन करता है। ये देखना पड़ेगा मुझे ब्राजील का शुगर प्रोडक्शन बाय कंट्रीज। ब्राजील, इंडिया, यू, चाइना, थाईलैंड, यूएस, मैक्सिको, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, रशिया। ब्राजील हर हालत में नंबर वन है, उसके बाद इंडिया है। मेजर शुगर प्रोड्यूसर कंट्री ब्राजील, इंडिया, चाइना, चाइना भी है, मैक्सिको, मतलब सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका, थाईलैंड, पाकिस्तान, कोलंबिया, पाकिस्तान भी है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, इधर है, इधर ब्राजील, मैक्सिको है, थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड वगैरह है। ब्राजील, इंडिया, चाइना, यूएस, मैक्सिको। लेकिन ये ऑर्डर बदल चुका है, थाईलैंड और पाकिस्तान आ गए हैं। ये 2014 का है, पुराने डेटा है। साउथ अमेरिका का मैप देखते हैं। साउथ अमेरिका की इकोनॉमिक जियोग्राफी, बायोजियोग्राफी है ये, है तो इकोनॉमिक जियोग्राफी, जिसे मैंने डाला है चिली में माइनिंग होती है काफी कॉपर की, ब्राजील में कॉफी का प्लांटेशन, सिल्वर, कॉपर, यहीं पे मुझे डालना पड़ेगा। ब्राजील है शुगर केन। शुगर केन वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इज ब्राजील, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट इन द वर्ल्ड। अरे यार, सब कुछ करना पड़ेगा। कोको नट प्रोडक्शन में इंडिया तो नहीं होगा, कोई साउथ ईस्ट एशियन कंट्री होनी चाहिए मेरे हिसाब से, मलेशिया, इंडोनेशिया होना चाहिए। ऑप्शन है ब्राजील, इंडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस। आई थिंक इंडोनेशिया होना चाहिए। हाँ, क्योंकि इंडोनेशिया मलेशिया में से कोई होना चाहिए। कोकोनट प्रोडक्शन में इंडोनेशिया, कोकोनट प्रोडक्शन में सबसे जो टॉप कंट्रीज हैं वो है साउथ ईस्ट एशिया की ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाली, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इनफैक्ट वियतनाम भी है, थाईलैंड भी है, मलेशिया नहीं है लेकिन इंडोनेशिया है।
मलेशिया में नहीं है उतना कोकोनट का जितना इंडोनेशिया में है, फिलीपींस में है, पापा न्यू गिनिया में है। जब पापा न्यू गिनिया है कोकोनट प्रोडक्शन में, इधर इंडिया है, ब्राजील है, श्रीलंका है, वियतनाम भी है कोकोनट प्रोडक्शन में, लेकिन नंबर वन तो इंडोनेशिया ही है। साउथ ईस्ट एशिया, क्रा कैनाल, पॉलिटिकल जियोग्राफी में है, इकोनॉमिक जियोग्राफी में और कौन कौन से पॉइंट के, इंस्टीट्यूट ऑफ मलक्का, पाम ऑयल के प्रोडक्शन में है, मलेशिया टिन रबर और पाम ऑयल का प्रोड्यूसर है, अब इंडोनेशिया का नहीं आ रहा, म्यांमार ओपियम का है सेकंड लार्जेस्ट, फर्स्ट मुझे लग रहा है अफगानिस्तान होगा, राइस प्रोडक्शन में है ये लोग चाइना इंडिया के बाद, रिच कंट्रीज हैं, कॉफी प्रोडक्शन में ब्राजील के बाद इन्हीं का नाम है, रबर में है नंबर वन थाईलैंड। अब हमें जो है कोकोनट प्रोडक्शन, इंडोनेशिया फिलीपींस। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टाइटेनियम इन द वर्ल्ड, टाइटेनियम प्रोडक्शन बाय कंट्री, टाइटेनियम प्रोडक्शन में चाइना सबसे आगे है। ऑस्ट्रेलिया भी है, तो इन्होंने कौन सा दिया, चाइना प्रोड्यूसर द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ टाइटेनियम इन द वर्ल्ड ट्वाइस एज मच रशिया एंड जामना कंबाइंड। रिजर्व जरूर ऑस्ट्रेलिया में हो, बट प्रोडक्शन सबसे ज्यादा चाइना है, इसमें लिखा है चाइना रशिया एंड जापान से ज्यादा करता है, ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने काउंट ही नहीं किया है। रूटाइल रोटाइल इज टाइटेनियम डाइऑक्साइड इन मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ TiO2। रोटाइल इज ए मिनरल कंपोज्ड प्राइमरली ऑफ टाइटेनियम डाइऑक्साइड इन द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ TiO2। रोटाइल इज वन ऑफ द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रूटाइल इज ए कॉमन एक्सेसरी मेनली इन हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर मेटामॉर्फिक रॉक्स। रूटाइल इज द मोस्ट स्टेबल TiO2 एट ऑल टेम्परेचर्स। टाइल क्वार्ट्ज में मिलता है, इम्पोर्टेंस क्या है इन लार्ज इनफ क्वांटिटीज इन बीच सैंड्स, टोटाइल फॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ हैवी मिनरल इन ओर डिपॉजिट्स। पेंट, प्लास्टिक, पेपर,
पिगमेंट का यूज होता है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड पिगमेंट, टाइटेनियम डाइऑक्साइड पिगमेंट कलर के लिए, पेंट, सनस्क्रीन, फूड कलरिंग। इसमें चाइना ने दिखाया वर्ल्ड मेजर ऑफ रूटाइल में, जबकि चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। पेंट, प्लास्टिक, पेपर, रेयर अर्थ मेटल किन को बोलते हैं? क्या टाइटेनियम रेयर अर्थ मेटल है? रेयर अर्थ एलिमेंट, रेयर अर्थ मेटल इज डिफाइंड बाय द IUPAC पीरियोडिक टेबल में एज द 15 लैंथेनाइट्स एज वेल एज स्कैंडियम एंड इट्रियम tend to occur in some ore deposit as the lanthanides and exhibit similar chemical property but have similar electronic and magnetic properties. Cerium, dysprosium, erbium, europium, holmium, lanthanum, neodymium, samarium, scandium, terbium, thorium, yttrium, thorium, uranium. मतलब platinum तो नहीं। एनीवे टाइटेनियम का मान लेते हैं कि चाइना है। टाइटेनियम चाइना, कहाँ लिखूं? यहाँ लिख देता हूँ, टाइटेनियम चाइना नंबर वन। आगे बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सुगर बीट इन द वर्ल्ड। अभी सुगर बीट क्या होती है? सुगर बीट शकरकंद को बोलते हैं क्या? सुगर बीट प्रोडक्शन बाय कंट्रीज, फ्रांस टॉप 10 सुगर बीट प्रोड्यूसर, रशिया, फ्रांस, यूएस, इंडिया तो है ही नहीं टॉप 10 में। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सुगर बीट इन द वर्ल्ड आर फ्रांस एंड रशिया, रशिया एंड फ्रांस होना चाहिए। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ शुगर, ब्राजील, इंडिया। ये शुगर के इनसे बनाते हैं, वो शुगर बीट से बनाते हैं। शुगर बीट में रशिया, फ्रांस, यूएस, जर्मनी, चाइना, यूक्रेन, पोलैंड, इजिप्ट। रशिया में जाना चाहिए भाई ये तो। रशिया एग्रीकल्चर में भी नंबर वन है। बट देखो, चीनी निकालने के दो तरीके हैं। अगर हम चीनी शुगर केन से निकालें तो ब्राजील इंडिया नंबर वन है, लेकिन अगर चीनी अगर हम बीट शुगर, कौन सा है, शुगर बीट से निकाल लें, शकरकंद से, तो फिर रशिया नंबर वन आ जाएगा।
इकोनॉमिक जियोग्राफी। कारेलियन पेनिनसुला, कोल गैस रिजर्व में भी रशिया नंबर 1 है। ट्रांस साइबेरियन रूट यूरेनियम में कजाकिस्तान है। शुगर बीट में रशिया है। नेक्स्ट आते हैं, शुगर बीट में तो रसिया और फ्रांस है। नेम द कंट्री विद द लार्जेस्ट कैटल प्रोडक्शन। इंडिया हैज द लार्जेस्ट कैटल इन्वेंट्री इन द वर्ल्ड। कैटल इन्वेंट्री बाय कंट्रीज। ब्राजील, चाइना, अर्जेंटीना, इंडिया तो है नहीं नंबर 1। ब्राजील, इंडिया, चाइना, यूएस। इन्होंने इंडिया बोला जबकि ब्राजील नंबर 1 है। ऑप्शन में ब्राजील था क्या? है नहीं है। अगर ब्राजील ऑप्शन में होता तो शायद ब्राजील को नंबर 1 लेते। हाँ, इंडिया, चाइना, यूएसए जरूर जाता है। ब्राजील, इंडिया, चाइना, यूएस, इथियोपिया, अर्जेंटीना, सूडान, पाकिस्तान, मैक्सिको। कैटल में ब्राजील, इंडिया, चाइना, यूएस, इथियोपिया, अर्जेंटीना, सूडान, पाकिस्तान, मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर इन्फ्लुएंस द प्लांट ग्रोथ मोस्ट प्रोफाउंडली? टेम्परेचर, मॉइस्चर, सॉइल डेप्थ, सॉइल फर्टिलिटी। प्लांट की ग्रोथ में सबसे ज्यादा आई थिंक सॉइल की डेप्थ भी एक फैक्टर है, सॉइल की फर्टिलिटी भी फैक्टर है, मॉइस्चर भी है, टेम्परेचर भी है। आई थिंक टेम्परेचर भी एक फैक्टर है, हीट की मॉइस्चर भी है। सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? टेम्परेचर, ये देखना पड़ेगा मुझे। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर प्लांट ग्रोथ, लाइट, वाटर, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऐसा क्लियर कट क्राइटेरिया है नहीं, बट चलो। फ्रॉम विच प्लांट पार्ट इज कैम्फर ऑब्टेंड? कैम्फर कपूर, कैम्फर प्लांट पार्ट।
जी आई थिंक कैम्फर का प्लांट है। ये अंगूर जैसे निकले हुए हैं। कैम्फर टी सिनमोनम कैम्फोरा। क्या वैसे इसका आंसर फ्रॉम द स्टेम इज ऑब्टेन्ड, कैम्फर स्टेम से निकलता है। कैम्फर स्टेम ट्री। कैम्फर प्रोडक्शन। सिंथेसिस ऑफ कैम्फर। पाइनल से बनता है डिस्टिलेशन करके। फ्रॉम विच प्लांट पार्ट इज कैम्फर ऑब्टेन्ड स्टेम। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑरेंज। अरे यार हर चीज कर डाली हमने। ऑरेंजेस प्रोडक्शन बाय कंट्री। ब्राजील। ब्राजील इज द लीडिंग ऑरेंज प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। अबाउट 30% ऑफ द वर्ल्ड इज आउटपुट फॉलोड बाय यूएस एंड चाइना। ब्राजील यूएस। हाँ भाई ब्राजील यूएस मिलके 50% है, फिर चाइना। ब्राजील बहुत बड़ा इकोनॉमी है ब्राजील की। इकलौता डेटा जो है वो ये साउथ अमेरिका। ये ब्राजील यूएस चाइना। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट। आई थिंक इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान म्यांमार। जूट प्रोडक्शन तो बांग्लादेश है। कंट्री द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट इन द वर्ल्ड इज इंडिया। बांग्लादेश से भी ज्यादा जूट प्रोडक्शन बाय कंट्री। सच में इंडिया नंबर 1 है।
बांग्लादेश। और इंडिया में सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल, फिर बिहार, फिर असम, फिर उड़ीसा। कॉटन में तो खैर इंडिया, चाइना, यूएस, पाकिस्तान, ब्राजील है ही। जूट में इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, उज्बेकिस्तान। जूट में आई थिंक इंडिया, फिर बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर उज्बेकी। सही डेटा है बांग्लादेश। साउथ एशिया में जाना चाहिए, साउथ एशिया का है जूट। CPEC साउथ एशिया में जाने लायक पहली चीज मिली मुझे जूट।